गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट, अपनी लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कॉन्सेप्ट्स ऑफ जेंडर, कि जेंडर क्या है और क्यों हम इसे इसमें विभेद करते हैं कि एक पुरुष और एक महिला में किन किन आधार पर हम उनका विभेदीकरण करते हैं, सामाजिक तौर पर, मनोवैज्ञानिक तौर पर और सांस्कृतिक तौर पर। आज हम बात करने वाले हैं सोशल कंस्ट्रक्शंस ऑफ जेंडर, यानी कि लिंग भेद की जो सामाजिक संरचना है वो क्या है, क्योंकि ये एक सामाजिक संरचना है, यानी कि समाज ने ही इस धारणा को बनाया है। लिंग भेद संबंधी अंतरों को एक सामाजिक रचना के रूप में स्वीकार करने वाला विचार लिंग भेद संबंधी कई दार्शनिक और समाजशास्त्रीय सिद्धांतों में मौजूद है। इस विचार के अनुसार समाज और संस्कृति दोनों ही जेंडर रोल का निर्माण करते हैं। लिंग भेदीय भूमिका पद का प्रयोग सबसे पहले 1995 में जॉन मनी ने किया था। दीज रोल्स आर प्रिस्क्राइब्ड एज आइडल और अप्रिशिएट बिहेवियर फॉर अ पर्सन ऑफ दैट स्पेसिफिक जेंडर्स। कुछ विद्वानों का मानना है कि जो ये जेंडर की धारणा है, यानी कि पुरुष और स्त्रियों के बीच का जो अंतर है या उसे व्यवहारिक अंतर है, उसका आधार केवल सामाजिक परंपराएं हैं, और वहीं कुछ अनेक मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि ये हमारे व्यवहार जो है ये बायोलॉजिकल बेस पे भी है और हमारा जो सामाजिक परंपराएं हैं, जो संस्कृति है, उसके आधार पर भी हम जेंडर रोल को डिफाइन करते हैं। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ जेंडर, लिंग भेद की विशेषताएं क्या हैं। इसकी सबसे पहली विशेषता यही है कि ये एक सामाजिक रचना है, इसे समाज ने ही बनाया है। लिंग भेद एक सामाजिक रचना या संरचना है। समाज और संस्कृति उन लिंग भेदीय भूमिकाओं का निर्माण करते हैं जो किसी समाज में लिंग भेद को रूप व आकार प्रदान करती है। जेंडर एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू टाइम जैसे जैसे स्थिति चेंज होती जाती है, अब इसमें हम शिक्षा का प्रभाव भी ले सकते हैं या अन्य संस्कृतियों का प्रभाव भी ले सकते हैं, कि जैसे आज हम एजुकेटेड होते जा रहे हैं, एजुकेशन के फील्ड में लड़कियां आगे जाती जा रही हैं, तो वैसे ही जेंडर का जो कॉन्सेप्ट है, इसकी जो एक सोच है, एक धारणा है, वो बदलती जा रही है। पहले के टाइम में महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था, नौकरी का अधिकार नहीं था, घर से बाहर जाने का अधिकार नहीं था, लेकिन जैसे जैसे हमारी इस और संस्कृतियों से हम प्रभावित हो जा रहे हैं, अन्य देशों की संस्कृतियों से, राज्य से प्रभावित होते हैं, और शिक्षा का जो सबसे बड़ा प्रभाव है वो हमारे ऊपर पड़ रहा है, तो उसके कारण क्या है, ये जो कॉन्सेप्ट्स है ये चेंज हो रहा है, इसमें चेंजेस लगातार हो रहे हैं, परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए हम इसे एक स्टैटिक नहीं कह सकते कि ये स्थिर नहीं है धारणा, इसमें समय के अनुसार परिवर्तन होता है। ए सेट ऑफ ट्रेड्स, अगर हम साइकोलॉजिकल रूप में देखें तो मनुष्य लिंग भेद को किसी विशेष जैविक लिंग से संबंधित कुछ विशेष गुणों के समूह के रूप में भी स्वीकार किया गया है। सामान्यतः लिंग भेद को परिभाषित करने वाले लक्षणों को पुरुष तत्व के रूप में ही संबोधित किया जाता है। हम जेंडर के बेस पे भी या हम अपने क्वालिटीज़ के बेस पे भी, कि कुछ क्वालिटीज़ हैं जो सिर्फ महिलाओं में पाई जाती हैं या कुछ क्वालिटीज़ हैं जो सिर्फ पुरुषों में पाई जाती हैं या पुरुष में मुख्य रूप से पाई जाती हैं, उनकी प्रधानता होती है, तो इस बेसिस के आधार पर भी हम जेंडर को डिफाइन करते हैं। लर्निंग बिहेवियर, लिंग भेद एक अधिग्रमित व्यवहार योजना है और एक अर्जित पहचान है। समाजीकरण की प्रक्रिया किसी व्यक्ति को उसकी लिंग भेदीय भूमिका से अवगत कराती है। समाज ही है जो हमें लिंग भेद से अवगत, कि हमारा जेंडर क्या है, वही समाज के अकॉर्डिंग ही एक धारणाएँ बनाई गई हैं कि पुरुष क्या काम करेंगे और महिलाएं क्या काम करेंगी, तो उनके बिहेवियर के हिसाब से ही समाज ने उन्हें डिवाइड किया, उनकी भूमिकाएं प्रदान की हैं, जिसे मनुष्य है लगातार उनको निभाता जा रहा है। एक्सपेक्टेड बिहेवियर, लिंग भेदीय धारणा में पुरुष व स्त्रियों की विशेषताओं, कौशल और संभावित व्यवहार जो है उससे संबंधित की जाने वाली उम्मीदें शामिल होती हैं। जो हमारे कौशल हैं, जैसे कुछ कौशल हैं जो महिलाओं में ही पाए जाते हैं, या हम यूँ कह सकते हैं कि सिलाई करना, खाना बनाना, ये सब कलाएँ जो कौशल हैं वो महिलाओं के काम हैं, तो उसके आधार पर भी हम जेंडर को डिफाइन करते हैं। अधिकारों, भूमिकाओं, कर्तव्यों और संबंधों की व्यवस्था,
लिंग भेद व्यवस्था में कुछ विशेष वस्तुएं शामिल हैं, जैसे किसी व्यक्ति के अधिकार, उसे प्रदान की गई भूमिका और उसके उत्तरदायित्व, और स्थापित किए जाने वाले अंतर व्यक्तिगत संबंधों द्वारा लिंग भेद को आकार प्रदान किया जाता है। किसी व्यक्ति को यानी कि पुरुषों को जो अधिकार दिए गए हैं और महिलाओं को जो अधिकार दिए गए हैं वो हमारे समाज ने ही डिसाइड किए हैं और उसी के आधार पर हमारे जो लिंग भेद की संरचना है वो लगातार चली आ रही है। शेप ऑफ द पर्सनैलिटी, अब अगर हम सही शब्दों में देखें तो ये हमारे पर्सनैलिटी, हमारे गुणों के अनुसार भी इसको डिवाइड किया गया है। वास्तव में लिंग भेद किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व या उसके व्यवहारिक गुणों को आकार प्रदान करता है। उदाहरणतः यदि कोई लड़की रो रही है तो हम ये सोचते हैं कि वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रही है, लेकिन अगर कोई लड़का रो रहा है तो हम उसे ये कहते हैं कि मर्द बनो, लड़के नहीं रोते, या इस तरह के शब्द कहकर हमें उन्हें चुप करा देते हैं। तो यहाँ पर हम एक रोने को भी डिफाइन करते हैं कि लड़के नहीं रोते और लड़कियाँ जो हैं रोकर अपने भावनाओं को, अपने विचारों को, अपने दुख को प्रकट कर सकती हैं। पावर रिलेशनशिप्स, शक्ति संबंधों को भी प्रभावित करता है हमारा लिंग भेद। लोग इस धारणा को मानते हैं कि परिवार और देश की जो कार्यभार है, जो मुख्य बागडोर है, वो पुरुषों के हाथ में ही होने चाहिए, स्त्रियों के हाथ में नहीं। पुरुषों को स्त्रियों से अधिक कमाना चाहिए। वर्तमान में यदि ऐसा कोई करता है या किसी स्त्री को कोई अधिकार दिए जाते हैं तो हमारा समाज उन्हें स्वीकार नहीं करता, या अगर कभी कोई ऐसी घटना हो जाती है कि गलती स्त्री से हो जाए तो उसमें भी यही कहा जाता है कि ये पुरुषों का काम है, महिलाओं का नहीं। तो अगर हम उन्हें अधिकार देने की कोशिश भी करते हैं तो भी जो हमारी सामाजिक संरचना है, हमारा समाज है, वो इस चीज़ को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता। असेस टू रिसोर्सेज, अब हम मुख्य रूप से देखते हैं कि जो हमारे घर है, हमारा परिवार है या हमारे समाज है, उसमें कुछ नियम बनाए गए हैं, कुछ शर्तें लागू की गई हैं जिनके अनुसार जो भोजन है, स्वास्थ्य और शिक्षा साधन है उस पर पुरुषों की पहुंच ज़्यादा है। यानी कि अगर कभी भोजन की बात दी जाए तो अच्छा भोजन, शिक्षा की बात की जाए तो हाई एजुकेशन, और स्वास्थ्य की बात की जाए तो अगर कोई ट्रीटमेंट कराना है तो उसमें भी हम फैसिलिटीज बॉयज़ को ज़्यादा देते हैं। पुरुष प्रधान देश है, पुरुषों को ज़्यादा दी जाती है। तो ये भी है एक हमारे जेंडर की करेक्टरिस्टिक्स है कि हमारा जेंडर क्या करता है कि महिलाओं को वो अनुमति नहीं है, वो चीज़ें, वो साधन रिसोर्सेज पूरी तरह से प्राप्त नहीं है। लिंग भेदीय भूमिकाओं की विविधता, लिंग भेद भूमिकाओं का निर्धारण संस्कृति बहुत अहम भूमिका निभाती है। हमारी संस्कृति में कुछ जगहों पर आज भी ऐसा है कि रोजगार का जो उत्तरदायित्व है वो सिर्फ पुरुष को ही दिया गया है, स्त्री सिर्फ घरेलू काम ही करेगी, वो बाहर के काम या नौकरी करना ऐसे काम नहीं कर सकती। वहीं कुछ और जगह, कुछ संस्कृतियों में धार्मिक काम सिर्फ पुरुषों के द्वारा ही किए जाते हैं, वहाँ पर स्त्रियाँ प्रधान नहीं होती, बिना पुरुष के धार्मिक कार्य नहीं किए जाते। तो ये भी हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है, हमारी संस्कृति भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल निभा रही है जो हमारे जेंडर को डिवाइड कर रही है या स्त्री और पुरुष का भेद बता रही है। चेंज इन जेंडर रोल, लिंग भेदीय भूमिकाओं में समय अनुसार परिवर्तन हो सकता है। उदाहरणतः प्राचीन काल में कुछ संस्कृतियों में स्त्रियों को महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अधिकार नहीं था, परंतु अब उन्हें कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पे अपने अधिकार लेने का, अपने निर्णय देने का, जैसे आप आजकल देखते आ रहे हैं कि शिक्षा का अधिकार भी मिल गया है, बिजनेस भी कर सकती हैं, जॉब भी कर सकती हैं, अपने घर के डिसीजन भी ले सकती हैं। कई जगहों पर जहाँ पुरुष प्रधानता नहीं है या पुरुष नहीं है तो वहाँ महिलाएँ भी अपने घर की प्रधान बनती हैं। तो अकॉर्डिंग टू टाइम धीरे धीरे हमारे जो समाज की जो सोच है वो बदलती जा रही है, तो इसलिए हमारा जो जेंडर का कॉन्सेप्ट है वो भी धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है। साइकोलॉजिकल भी हम इसमें बहुत इफ़ेक्ट मानते हैं कि समाज, क्योंकि ये कोई एक सामाजिक भौतिक संरचना नहीं है कि हमारे शरीर से भी अगर लड़का है या लड़की है तो उसके अनुसार उसे कोई कार्य दिए जाएंगे, ना है, क्योंकि ना ही ये कोई जन्मजात हमें प्रवृत्तियाँ मिली हैं, कोई जन्मजात हमें अधिकार नहीं मिले हैं कि एक पुरुष अगर लड़का पैदा होता तो उसे ये अधिकार दिए जाएंगे। ये एक सामाजिक संरचना है, एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, समाज संस्कृति और परंपराओं से ही संबंधित है।
इस प्रकार लिंग भेद के जितने भी लक्षण आज हमने पढ़े हैं और हम किन को मूल्य धारण करते हैं, इसका निर्णय लिंग भेद विचारधाराओं द्वारा ही होता है और यह निर्णय समाज हम पर ही थोपता है। तो आज हमने जेंडर के कॉन्सेप्ट्स की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थी उन पर बात की है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि जेंडर क्या है। जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है जो समाज के द्वारा ही बनाए गए नियम शर्तों पर लागू होता है, वही हमारे पुरुष और स्त्री में विभेद करता है। और आजकल के टाइम में स्त्री, पुरुष और थर्ड जेंडर, इन तीनों को ही फुल इम्पोर्टेंस दी गई है। सभी की अपनी अपनी वैल्यू है, सभी को अधिकार दिए गए हैं। अगर कोई काम महिलाएं कर सकती हैं तो वो पुरुष भी कर सकते हैं, और जो काम पुरुष कर सकते हैं वो महिलाएं भी कर सकती हैं। तो सोशल कंस्ट्रक्ट होने के साथ साथ एक डायनेमिक चेंज भी इसमें लगातार होता रहता है।